भी समय खराब कर रहे हैं, क्लास का समय खराब कर रहे हैं और टीचर का समय खराब कर रहे हैं, अर्थात उसकी जो स्पीड होगी आप उसको प्रभावित करेंगे, तो हम आपको उस लेन से बाहर कर देंगे। आपके लिए एक नीचे से एक लेन और बना दी जाएगी, आप वहाँ सर्व कराइए, ठीक है, ताकि वहाँ पर एक स्पीड प्रभावित नहीं होनी चाहिए, रेगुलरिटी के लिए मस्ट है। तो आप अपना समय दें तो रेगुलर दें, नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए दूसरा आयाम है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग रूट से होकर फिर से ज्वाइन करिएगा। सही है, सही है ना, दूसरे पढ़ाई नहीं प्रभावित हो जाए आपके कारण, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के कारण। आपको घूमने जाना है, जाइए, लेकिन अगली बार तब आना है जब एक नया सब्जेक्ट शुरू हो जाए, और पर्टिकुलर कम से कम 1 से 2 महीने तक कोई नया सब्जेक्ट शुरू नहीं होता है। तो आप 1-2 महीने हो सकता है आप खाली बैठे रहें, अपना समय वेस्ट करते रहें, तो 3-4 दिन समय कहीं देने के बजाय आप कम से कम एक सब्जेक्ट ज़रूर पूरा करके जाएं, ताकि एक सब्जेक्ट तो कम से कम कंप्लीट रहे। तो रेगुलरिटी मस्ट है, जो भी ज्वाइन करें रेगुलर रहें क्लास में। और हाँ, अगर मान लीजिए आपको कोई इशू होता भी है तो प्लीज़ इन्फॉर्म करके जाइए, हमें लगेगा कि ये बहुत ज़रूरी है, आपको जाना चाहिए, तो हम खुद अलाउ करेंगे, उसके बाद हम आपको क्लास में एंट्री भी दे सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा इशू है जिसको लिए हम अलाउ करेंगे, तो हम नॉट अलाउड कर देंगे। उसके बाद आप जाना ना जाना आपका निर्णय होगा, लेकिन उसके बाद जो निर्णय होगा वो हमारा होगा। समझ में आई बात? ओके, तो रेगुलरिटी लेकर आपको यहाँ पर कंटिन्यू रहता है, क्योंकि कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको अपनी क्लास में भी होगी, स्टूडेंट के साथ होगी, बच्चों के साथ होगी, और आपको अपने लक्ष्य के साथ भी होगी, वो इतना ही एक्सटेंड हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट, आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट। आपका मेंस पूरा डिपेंड करता है आपकी आंसर राइटिंग पर। आपकी प्रस्तावना का एक बहुत बड़ा, जैसे एक मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार में लगभग सब कुछ है, आपके सारे अधिकार उसमें छुपे हुए हैं, तो उसी तरह आंसर राइटिंग, जहाँ पर आप आंसर राइटिंग के माध्यम से अपना भविष्य बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो इसको आंसर राइटिंग में प्रॉस्पेक्टस आपका कैसा होना चाहिए, चलिए, कितने लोग आंसर राइटिंग कहते हैं कि मुझे पता है कैसी करनी चाहिए? आई होप आप कोई हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग हाथ उठाएं, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपके अंदर कमियाँ क्या हैं और आप में सुधार कहाँ करने की ज़रूरत है। अगर कोई कहता है कि मुझे पता है कुछ, तो बताएं। कुछ लोग हाथ ऐसे उठाते हैं कि पता ना चले मैंने उठाया हुआ है, या तो उठाओ या तो गिरा लो, क्योंकि सामने ये कन्फ्यूज़ रहता है कि आगे चलना है, बढ़ना है या फिर रुके रहना है, तो प्लीज़ क्लियर कर दिया करो। अच्छा, मतलब भाई नहीं, कोई नहीं, ये हैं, अच्छा आपको मालूम है, बताएं फिर, सबको बताएं प्लीज़ एक बार। ये तो सबको पता है, और क्या होता है, प्रभावी बनाना चाहिए। आपकी आंसर राइटिंग क्लास हुई थी ना, तो मेन में कुछ लोगों को पता होगा। चलिए छोड़िए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं बहुत चीज़ों को लेकर आता हूँ, आप कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, इससे अच्छा मैं सब कुछ बता देता हूँ, है ना। सबसे पहली चीज़ आंसर राइटिंग में क्या इम्पोर्टेंट है, आपके पास आंसर हो तो बताएं, मस्ट, क्वेश्चन क्या है, ये डिमांड क्या करता है। पहली चीज़ क्वेश्चन क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें छिपी हुई, उसके बाद जो चीज़ें वो बोल रहा है क्या वो करना ही है, अर्थात एनालिसिस कैसे करते हैं। डिमांड हो सकती है क्या वन सब्जेक्ट है क्वेश्चन है, या टू और मोर सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की बात करता है, अर्थात एक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है या उसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट उससे जुड़े हुए हैं। इसके बाद इसको हम जैसे कहते हैं टेलेंडर्स वर्ड्स, उछले शब्द। उछले शब्द का मतलब विवरण दीजिए, विवेचना कीजिए, पुष्टि कीजिए, समीक्षा कीजिए, पुनर्अवलोकन कीजिए, कैसे समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, युक्ति युक्ति उदाहरण दीजिए, ऐसे बहुत सारे आपके 25-30 वर्ड हैं जो आपको यूज़ किए जाते हैं। तो इन पुछले शब्दों का मतलब क्या होता है,
जो आपको अपनी आंसर राइटिंग में बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए। जब आपको ये चीज़ें आ जाएं, तो आपके आंसर राइटिंग में चौथी जो बात आती है आंसर फ्रेमिंग। लेकिन ये क्लियर होने के बाद अब आंसर फ्रेमिंग के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आंसर फ्रेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन आया ही नहीं, तो आप ये मान के चलिए जो आप आंसर लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं, और आप गलत लिख के सामने वाले को नाराज़ कर रहे हैं, और इतना कि वो आपके रिज़ल्ट को प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए आंसर फ्रेमिंग सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन कितने पार्ट में है, हाउ मेनी पार्ट्स इन क्वेश्चंस, आपको ये पता होना चाहिए। अर्थात क्वेश्चन में एक पार्ट में पूछा गया, दो चीज़ें पूछी गई, तीन चीज़ें पूछी गई, चार चीज़ें पूछी गई हैं, कितनी चीज़ें पूछी गई हैं, तो उसको डिवाइड कर लेना है, डिवाइडेड इन पार्ट्स। जब आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे पार्ट्स में कितने पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो दूसरा टॉपिक आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सुना है? हाँ, कुछ लोग बैठे रहेंगे क्लास में, तो मैं बता देता हूँ, कभी भी अपनी अपनी क्लास में तो बहुत सारी चीज़ बता देता हूँ, बाकी लोगों एक मैक्सिमम में परसेंटेज की बात करता हूँ। क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग पता है? नहीं पता है ना। स्टॉर्म पता है क्या होता है? तूफान। अगर वो दिमाग में आ जाए तो दिमाग में जब हलचल की स्थिति हो जाए, तूफान की स्थिति हो जाए, तो उसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। लेकिन क्या ये होता है, मैं इसको जनरेट करने की बात कर रहा हूँ, क्या अपने दिमाग में हलचल उत्पन्न करें, ऐसी हलचल जो आपको इतने सारे पॉइंट बिखेर कर रख दे कि आप उसको समेटने में समय लगाएं। अब देखिए कैसे, एक टॉपिक लेते हैं, एक वर्ड लेंगे, जैसे मैंने इकोनॉमी को विश्लेषित कर दिया था कितना सारा मैटर आ गया था, मैं एक टॉपिक आपके सामने रखूँगा, आप सिर्फ मुझे उसके पॉइंट बताएंगे कि आपके अनुसार इसमें क्या हो सकता है, इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है, क्या क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं। इसको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का मैं यहाँ पर एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? चलो एक वर्ड लेते हैं, आप ही के द्वारा बताओ कोई भी एक वर्ड, ऊर्जा। चलो एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा क्या है, यहीं पर ले लो। चलिए इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, यू ऊर्जा लिखा, आपके मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ऊर्जा का आया हुआ है क्वेश्चन, अब आपको इस ऊर्जा के बारे में सोचना है, तो चलिए सोचना शुरू करते हैं। सोच लिया, चलो वर्ड बोलते हैं, जिसके दिमाग में जो आता है ऊर्जा को सुन के बताइए, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, प्रकार, क्या होती है, प्रयोग, संचित कैसे होती है, उत्पन्न करना हो गया, और प्रभाव, का प्रभाव लिख लीजिए, लाभ, लाभ वैसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जब प्रयोग लिखेंगे तो वहाँ पे लाभ में ही आ जाएगा, कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं वहाँ पर आप प्रकार कैसे, जो आपको लिखेंगे प्रकारों में ही आप बताएंगे कि इतने प्रकार हैं यहाँ से हम इसको मिलेंगे, और ऊर्जा के संसाधन आप लिखना चाहेंगे तो वहाँ प्रकार में ही आप बताएंगे। कुछ बचा, सोचिए, हो गया खत्म इतने में, ऊर्जा स्थानांतरण, और परिवर्तन, ऊर्जा के नुकसान, जब आप यहाँ पर प्रभाव लिखेंगे तो प्रभाव में आप लाभ भी लिखेंगे और प्रभाव में आप नुकसान भी लिखेंगे। चलो तो लाभ और हानि आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर प्रभाव में आपने, चलिए लाभ मैंने लिखा, लाभ लिखा हुआ, नुकसान लिख लिया, और बताइए विकास कैसे इससे हो सकता है ऊर्जा के कारण, और
फ्यूचर के लिए कैसे उपयोग कह सकते हैं कि सतत धारणी विकास की परिभाषा, सतत धारणी विकास कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारी मैकेनिज्म आ जाती हैं विकास को लेकर, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्षेत्र लिख सकते हैं, कृषि में, ऊर्जा में, अर्थव्यवस्था में, चाहे आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें उसको कर सकते हैं। और बताएं, एक वर्ड आपने बोला था, चलिए संसाधन वो भी डाल देते हैं, जो भी वर्ड आता है सब लिख लो। और हो तो बताओ, और क्या आता है दिमाग में ऊर्जा को सोच के, क्या पॉइंट निकल कर आते हैं? संगठन कुछ है, ऊर्जा से जुड़े संगठन, ऊर्जा संगठन, समझौते आ गए, चलो समझौते इससे जुड़े हुए आ गए, संगठन और समझौते जुड़ गए। और बताएं, संगठन समझौते जुड़ेंगे तो आप इसी में आप जोड़ सकते हैं आईआर, जोड़ सकते हैं आईआर के साथ साथ आप अगले टॉपिक में जाएं, इंटरनल जो होते हैं आंतरिक सुरक्षा को जोड़ सकते हैं, यहाँ पर समाज जोड़ सकते हैं आप, साइंस एंड टेक को यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप ये वर्ड ढूंढ रहे थे ना, इन वर्ड को आप सब्जेक्ट के माध्यम से जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो आपने ऊर्जा को खोजा है, सिर्फ यहाँ पर बैठे बैठे ऐसे बहुत सारे पॉइंट आए, और आपने अब ऊर्जा कोई पढ़ाएगा तो लगभग सब समेटना पड़ेगा उसको। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपको क्या करना है, सेकेंड एस्पेक्ट आपका ये क्लियर हो गया, क्वेश्चन मैंने लिखा तो क्वेश्चन के बाद मैंने क्वेश्चन के अनुसार उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। क्वेश्चन क्या हो सकता है, चलो मैं पूछता हूँ, एक क्वेश्चन देते हैं, लेते हैं मतलब, वर्तमान भारत की भौगोलिक परिस्थितियों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन वर्तमान उसकी निर्भरता कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस पर निर्भर है, जिससे पर्यावरणीय जनित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन प्रभावों को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा को विकास को लेकर भारत सरकार द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इनसे संबंधित परियोजनाओं का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग आधार प्रकार के डाल दिए गए हैं। क्या इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जो मैंने नहीं उठाया है, या मैंने ऐसा कोई पॉइंट इससे अलग है जो मैंने रख दिया अपने क्वेश्चन में, इसी से रिलेटेड है सारे पॉइंट है इसमें। इसमें आप अपने सरकार की परियोजनाओं को भी डाल सकते हैं, सरकार जो आपने छोड़ दिया था, मैंने वहां पर उसको डाल दिया सिर्फ। अब आप यहां पर सब जब तक पढ़ा नहीं होगा तो आप इस उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, नहीं कर सकते। कब तक? जब तक आपने ऊर्जा के अलग अलग प्रावधानों को वहां पर पढ़ा नहीं होगा, अर्थात ऊर्जा को जब तक आपने पूरा निचोड़ नहीं लिया होगा तब तक आप इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं लिख सकते। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस क्वेश्चन के हिसाब से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना आना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद ये सारे पॉइंट हो गए, मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ, अगर मैं कहूँ तीसरा जो पॉइंट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, इसको इसको सिस्टमेटिक करना, अर्थात क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अनुसार इसको क्रमबद्धता में रखना। और क्रमबद्धता क्या है? इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। आपको कौन से पॉइंट कहां पर रखने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद उनको सिस्टम में लाइए, उनको फीड करिए, और फीड करने के बाद जब ये फीड आपका बन जाएगा, ये हो जाती है आपकी आंसर फ्रेमिंग, आपकी तैयार हो गई। अब जब आंसर फ्रेमिंग आपकी बन गई तो सिर्फ आपको लिखना है, किसके हिसाब से? जो फ्रेमिंग आपने कर ली है बस उसी को लिखते चले जाइए, उसी अनुसार आपका उत्तर बहुत अच्छा हो, आपके सारे पॉइंट होंगे, सिस्टमेटिक होंगे, और वो इसको आप आकर्षक कैसे बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि उत्तर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया जहां आप अपने उत्तर के सभी पहलुओं को कवर करने की बात को सीखते हैं। अब दूसरा बात आता है, सर हो सकता है, क्योंकि ये अप्रोच तो मैं सबको बता रहा हूं, तो इस अप्रोच को हो सकता है यहाँ 50-60 लोग, तो आप 100 लोग आप लोग यहाँ अप्लाई करें, प्लस अगर ये YouTube पे वीडियो चला जाता है तो वहाँ हज़ारों लाखों लोग और अप्लाई कर सकते हैं यही, तो सर हम एक दूसरे से अलग कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग कहाँ होते हैं आप आंसर राइटिंग में,
प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। आप अपना उत्तर प्रारंभ और उसकी समाप्ति के दौरान वहाँ पे क्या और कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये बहुत डिफरेंट कर देता है आपको दूसरों से। और डिफरेंट कैसे करता है, प्रस्तुतिकरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक प्रेजेंटेशन के दायरे क्या क्या हैं, ये जान लेते हैं। प्रेजेंटेशन में होता क्या है सर, आखिर प्रेजेंटेशन है क्या? पहली चीज़, हैंडराइटिंग, जो आपकी हमेशा दूसरों से अलग होगी, कभी भी कॉमन नहीं होती है और ये आपको दूसरों से अलग बना देगी। दूसरा, हैंडराइटिंग के साथ साथ आपकी स्किल चीज़ों को यहाँ पर दर्शाने को लेकर। अब स्किल्ड में आपको ग्राफिंग कई बार लोग कर देते हैं, कई बार लोग यहाँ पर इमेज क्रिएट करते हैं, चित्र बना देते हैं, कई बार लोग डाटा लिखते हैं पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर। हैंडराइटिंग के दौरान कुछ लोगों ने क्या किया, सीधी सीधी कहानी लिख दी, और कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी आंसर राइटिंग को पुख्ता करने के लिए उन्होंने कुछ ग्राफिंग बना दी, उन्होंने कुछ आपको इमेज क्रिएट कर दी। जैसे आपको सौर ऊर्जा दिखाना है या पवन ऊर्जा दिखाना है, तो आपने क्या किया, ज्योग्राफी में भारत का मैप बना दिया और वहाँ पे ये दर्शा दिया कौन कौन से रीज़न हैं जो आपको पवन ऊर्जा के लिए हैं, जल ऊर्जा के लिए हैं और सौर ऊर्जा के लिए हैं। ये क्या कर देगा, आपको दूसरों से अलग दिखा देगा और आपके आधे से एक नंबर दूसरों से ज़्यादा बेहतर हों। यही सारी चीज़ें आपको क्या करेंगी, अलग करती चली जाएँ। उसी चीज़ में आपने डाटा डाल दिया कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर भारत सरकार के द्वारा इन परियोजनाओं में ये लक्ष्य रखे गए हैं कि हम 2022 तक 100 गीगावाट की ऊर्जा का उत्पादन करेंगे इस क्षेत्र में। दूसरे नहीं किया, आपने कर दिया, इसने क्या किया, आपकी प्रभावितता तो बढ़ा दी। और अगर आपकी आंसर राइटिंग में ये सारी चीज़ें आती चली जाती हैं, अर्थात हैंड राइटिंग, स्केल, ग्राफिंग, इमेज, डाटा, इसके साथ साथ यहाँ पर बात आती है चीज़ों को लेकर पेन का कौन सा यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कर देते हैं कि सर पेन कौन कौन यूज़ करनी चाहिए, क्या वहाँ पर अच्छा दिखने के लिए हम यहाँ पर रेड, ब्लैक, ब्लू इत्यादि जैसी पेन्स का यूज़ करें, कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, ये जब आप इमेज क्रिएट करेंगे। इनको दर्शाने के लिए, आप अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए वहाँ पर आपको आकर्षक चित्रों की प्रस्तुतिकरण बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप ऐसी पेन्स का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेखन के दौरान आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन का यूज़ किया करें। दूसरी बात, लिखने के दौरान हम यहाँ पर ग्राफिंग का यूज़ करें, पैराग्राफ में लिखना शुरू करें, या जिसको हम सीधा सीधा पैराग्राफ लिखें, पैराग्राफ में लिखा जाए या पॉइंट में लिखा जाए, जो आंसर राइटिंग का एक दूसरा पहलू है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। बात आती है सर पैराग्राफ में लिखना चाहिए या फिर पॉइंट में लिखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा क्या है, ज़्यादा बेहतर नंबर किससे मिलते हैं आपके अनुसार, पॉइंट्स? मेरे अनुसार, मेरे भी अनुसार नहीं, क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन क्या कहता है और इसके लिए आपके पास पॉइंट कितने, मैटर करता है कि आपको पैराग्राफ में लिखना चाहिए कि पॉइंट में लिखना चाहिए। दूसरा मैटर इसके लिए ये करता है कि आपके पास समय कितना है। यदि आपके पास समय ज़्यादा है तो कब पैराग्राफ का यूज़ करें या पॉइंट का यूज़ करें, या समय कम है तब पॉइंट का यूज़ करें या पैराग्राफ का यूज़ करें। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखनी चाहिए अपनी आंसर राइटिंग में, क्या कि पैराग्राफ और पॉइंट का यूज़ कब करना चाहिए, किस क्वेश्चन के हिसाब से करना चाहिए और कैसे, किस समय करना चाहिए। तो पहली चीज़ें, जब भी आपके क्वेश्चन डिमांड करें कि आपको पास जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार आपके पास जो मैटर है वो मैटर क्या है, अगर कम है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं उस बारे में, तो आप चीज़ों को खींचना शुरू करें और चीज़ों खींचने के लिए आप पैराग्राफ लिखा करो, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट जो होते हैं, अगर आप सीधा सीधा पॉइंट लिख दो, चार पॉइंट में आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। और अगर चार पॉइंट में कहानी ख़त्म हो गई, जैसे आपको दो पेज मिलते हैं एक क्वेश्चन लिखने के लिए, अगर आपने मान लीजिए दो पेज के यहाँ पे एक ही पेज में आपका उत्तर ख़त्म हो गया पॉइंट के लिहाज से, तो सामने वाले को लगता है कि आपको पूरा आता ही नहीं है, तो 10 नंबर में 5 नंबर और 20 नंबर में हो सकता है, 20 नंबर में हो सकता है 5 नंबर आपको दे, 3 नंबर दे, 2 नंबर दे। ऑन एन एवरेज जो मार्किंग होती है वो 5 से 6 या मैक्सिमम 6.5 तक जाती है, जो UPSC आपको देता है
इससे ज़्यादा आपको मार्किंग मिलती नहीं, हाँ इससे कम जीरो तक भी जाती है। तो शुरू यहाँ से जीरो होती है, जीरो से 6.5 के बीच। अब आप अपना लेवल कहाँ तक लेकर जाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, और अपना लेवल आप यहाँ से सुधार सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग स्किल से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास मैटर बहुत कम है और आपको लिखना ज़्यादा है, दो पेज भरने हैं, तो आप कोशिश ये करिए, पहली चीज़ 200 वर्ड कंप्लीट करने की कभी कोशिश मत करिएगा, दूसरी चीज़ पैराग्राफ में लिखिएगा, और तीसरी चीज़ उसको लिखते समय आपने उसे आकर्षक बनाना ना भूलें, अर्थात कम भी लिखें अच्छा लिखें, क्वालिटी लिखें। क्वांटिटी नहीं चाहिए होती है उन्हें, क्वालिटी से मैटर होता है, लेकिन इतना भी कम मत लिखें कि सामने वाले को वो अधूरा लगे। दूसरी चीज़, यदि आपके पास मैटर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं हो जाती हैं और सबको व्याख्यायित करना मुश्किल है, तो सब क्या करिए, पॉइंट में डाल के छोड़ दीजिए, लिखिए पॉइंट में डालकर छोड़ दीजिए, और उनको बहुत ज़्यादा व्याख्यायित करना तो कुछ ग्राफिंग और चित्र का यूज़ कर लीजिए, बाकी आप वहाँ से समझिए उनके पॉइंट हमने यहाँ पर डाल दिए, ख़त्म। तीसरा बात आती है कि सर अगर समय कम है तो वहाँ पर ग्राफिंग होनी चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। जब भी आपके पास समय आपके पास कम हो तो हमेशा पॉइंट का यूज़ करिएगा, कभी भी ग्राफिंग का यूज़ मत करिएगा। ग्राफिंग में मैटर ज़्यादा लगता है और आपके पास सामने वाले जो चेक करना होता है वो पॉइंट को ही ढूंढता है, तो आप कम समय में सिर्फ क्वालिटी चीज़ें लिखकर अपना आंसर को कंप्लीट करिए और आगे बढ़िए। कम भी लिखो लेकिन क्वालिटी वहाँ पर फिर मैटर करना शुरू कर देती है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्राफिंग और आपके पॉइंट्स कब मैटर करते हैं आपके किस क्वेश्चन में, और समय के अनुसार क्या को और किसको प्राथमिकता आपको देनी चाहिए। तो आंसर राइटिंग को लेकर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पर आपको साथ साथ इसके डिमांड को समझें, टेलेंडर वर्ड्स की क्या है दिक्कत वो जानें, टेलेंडर वर्ड्स का मतलब क्या कहना चाहता है, क्या लिखना क्या है। इसके अलावा आंसर फ्रेमिंग, आंसर फ्रेमिंग में आपको कुछ चीज़ें हैं कि पहले क्वेश्चन को डिवाइड कर लीजिए पार्ट्स में, डिवाइड करने के बाद वहाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लीजिए, क्या क्या पॉइंट वहाँ पे बन रहे हैं, उसको उसके बाद सिस्टमेटिक में डालिए, सिस्टमेटिक के बाद वही जो फ्रेमिंग आपकी बन जाए, इंट्रो, मेन बॉडी और आपका कंक्लूजन, उसमें यहाँ पर आप अपनी स्किल्ड को बेहतर करें। हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पैराग्राफ, इमेज, डाटा का यूज़ कर सकते हैं, पेन का कब और किस संदर्भ में यूज़ करना है, ग्राफिंग, पैराग्राफ, पॉइंट का कब यूज़ करना है। यदि आप इतनी सारी मेहनत आपको सिर्फ एक आंसर राइटिंग को अच्छा करने के लिए करना है, इतना कर लो, बाकी आप समझदार, ठीक है, बाकी आप पर मैं छोड़ता हूँ। इंट्रो आप और कंक्लूजन हमेशा ज़्यादातर कोशिश करते हैं हम पैराग्राफ में लिखने की, ठीक है, और पैराग्राफ में ही लिखा करें, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। हाँ, मेन बॉडी को सोचिए, उसको कोशिश करिए कि आप पैराग्राफ में लिखा करें। नेक्स्ट बात आती है, अगली टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है आपकी रेगुलर क्लासेस के बारे में हो गई, टेक्नोलॉजी। अब बात आती है आपके टिकटॉक और ट्विटर, फेसबुक, सारी चीज़ों का। हाँ, तो ये बताइए कितने लोग यहाँ पर टेक्नो सेवी हैं, नहीं है, मैक्सिमाइज हम बात करते हैं, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनका कम से कम एक घंटा डेली जाता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, एक घंटा कम से कम, कोई झूठ बोले तो कितना। आज के लाइफ में अगर आप एक घंटे से ज़्यादा या कम दे रहे हैं तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ फिलहाल, बाकी आपके इन फ्यूचर हैं, चलिए ठीक है। अब बात आती है, अगर एक घंटा देते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स को तो वहाँ पर करते क्या हैं आप, सीधी सी बात है, कई प्रकार की पोस्ट देखना अपने दोस्तों की, अपनी, उनको लाइक करना, कमेंट करना, चैटिंग करना, शेयरिंग करना, और एक से मन भर जाए तो यही काम आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर करना। तो सुबह से शाम तक व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर तो मैक्सिमम आई थिंक ट्वीट तो करते नहीं होंगे आप लोग, लेकिन टिकटॉक आ गया तो वहाँ पर वीडियो भी कुछ लोग बनाते होंगे, कितने लोग बनाते हैं, नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, चलो कोई नहीं, जो भी बनाता हो आप लोग करिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ तब करिए
लेकिन कैसे, सिर्फ पॉजिटिव वे में। आधा घंटा एक घंटा देते हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने उसके लिए एक घंटा आपके लिए निकाल दिया। लेकिन आप पढ़ाई के दौरान भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, अच्छा ये मैटर करता है। क्या क्या कर सकते हैं आप टेक्नोलॉजी? देखो टेक्नोलॉजी में आपके पास, किसी के पास मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होंगे या अन्य माध्यम जो भी आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए कई सारी वेबसाइट्स और चैनल हैं। जैसे मैंने आपको बताया RSTV आपको देखना है, PIB आपको देखना है, वीकेंड का समय मिलता है करंट अफेयर के लिए तो वहाँ आप दृष्टि देख सकते हैं। इतना काम आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी पढ़ाई पर लगाइए इन डेली बेसिस या वीकली बेसिस, ताकि आपकी पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक जो जो नॉलेज हो रही है, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो नई चीज़ें आ रही हैं, आप उससे अवगत रहिए। अन्यथा समस्या ये होती है कि आपका करंट अफेयर्स UPSC में कई बार 50% और कई बार उससे ज़्यादा उससे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप करंट अपडेटेड नहीं हैं तो टेक्नोलॉजी आपके करंट को बेहतर बना सकती है, लेकिन इसका ज़रूरी उपयोग जो है वो राइट तरीके से होना चाहिए। अर्थात आप यूज़ करें यूट्यूब चैनल्स का, वेबसाइट्स का, मैगजीन्स का जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, और उनको पढ़ के उनको कलेक्ट करें और वहाँ से जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन करें अपने सेल्फ नोट्स के रूप में, अपने शॉर्ट नोट्स के रूप में, ताकि वो आपके सब्जेक्ट्स को बेहतर बना सकें, आपकी नॉलेज को गेन कर सकें और आपकी कई सारी संभावनाओं या समस्याओं या फिर कहते हैं प्रॉब्लम्स को वहाँ पर वो दूर कर सकें। होता क्या है कि एक स्टूडेंट पर्टिकुलर कोई टॉपिक जब पढ़ा रहा होता हूँ मैं, और अलग टीचर भी यही महसूस करते होंगे, कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसको वो आसानी से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसका मतलब जान सकते हैं, लेकिन वो उस क्वेश्चन के लिए अगले दिन तक, अगली क्लास तक सर का इंतज़ार करते रहे। अर्थात यदि उन्हें ये नहीं समझ में आया कि सर टीवी का क्या मतलब होता है, तो टीवी का मतलब वो नेट पे सर्च करके गूगल पे देख नहीं लेंगे, बल्कि उस टीवी का मतलब समझने के लिए वो अगले दिन तक उस क्लास का इंतज़ार करेंगे साइंस एंड टेक का, कि सर आएँ और मैं उनसे पूछ लूँ कि सर टीवी का मतलब क्या है। जबकि व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर में कितने सारे लोगों से चर्चा करते होंगे, अगर उनसे पढ़ाई की थोड़ी सी चर्चा कर लो तो उसका भी शायद समय बदल जाए और आपका भी। आपके वैसे दोस्त ऐसे नहीं होते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा हों, वो सोशल नेटवर्क ऐसे दोस्त होते हैं जिनको फालतू की चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है ना। कभी किसी से पढ़ाई की बात कर लो, या तो वो आपका दोस्त नहीं रहेगा, ब्रेकअप हो जाएगा, छूट जाएगा, तोड़ देगा, और आप इससे परिचित हैं और आप ऐसे लोगों को खोना नहीं चाहते जो आपकी इस नीरस जर्नी शुरू होने से पहले और उस दौरान एक मनोरंजन जो होता है वो लेकर आते हैं। ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं जो आपकी लाइफ को मनोरंजनपूर्ण बनाकर रखते हैं और आपको अपने लक्ष्य से धीरे 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 कोसों दूर लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं सकते। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी का आप बाकायदा यूज़ करें, बाकी चीज़ें भी आप देखें, लेकिन ध्यान रखें कि अपने समय को फालतू वेस्ट नहीं करना। एक निश्चित समय बना के रखें कि मुझे टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ पर्सनल के लिए करना है और कितना यूज़ आपको स्टडी के लिए करना है। आप वहाँ पर जाएं टेक्नोलॉजी में, आप फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पर भी जाते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, अगर वो आपके पढ़ाई से इंटररिलेटेड करता है तो बातचीत करें, नहीं करता है तो देख के वहीं पर ख़त्म करें उस चीज़ को। बातचीत वहाँ पर मत करिए किसी से, चैटिंग मत करिए। कहते हैं कि जितना समय आपने अपनी लाइफ में दूसरों से चैटिंग करने में व्यतीत किया है, यदि उतना ही लाइफ आप अपने गोल्स को सेटिंग करने के लिए लगा दें तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेटिंग उन चैटिंग के माध्यम से मत कीजिए जहां होना जाना कुछ नहीं है, बल्कि वहां पर लगाइए जहां आप शायद कितनी सारी चीज़ों की आप सेटिंग कर सकते हैं। अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपनी फ्यूचर, अपनी फैमिली, सबकी जो आप पर डिपेंडेंट हैं। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत कुछ सोच कर रखें, बहुत सारी आशाएं आपसे जुड़ी हुई, आप खुद परिचित हुए मुझसे ज़्यादा, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके पास पड़ोस, आपके रिश्तेदार। जिस दिन आपने ये बोल दिया कि आप ISPCS की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उसके बाद आप जितनी बार भी यहाँ से घर जाएंगे, उतनी बार उन लोगों की नज़रें आपसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछेंगी, क्या चल क्या रहा है, कितना हो गया एग्ज़ाम, एग्ज़ाम डाला कुछ निकला। और पर्टिकुलर एक टाइम के बाद आपको घर जाने का मन नहीं करता है,
क्योंकि आपको पता है कि वो लोग हमसे क्या पूछने वाले हैं और उसका मेरे पास क्या उत्तर है, और वो इरिटेट करना शुरू कर देते। और उस दिन के बाद आप सोचते हैं कि अब तो मैं यहाँ से जाऊँगा और बस लग जाऊँगा, इस बार तो निकाल के ही आऊँगा। लेकिन जैसे ही आप आते हैं वैसे वापस उसी चैटिंग में लग जाते हैं, वही सारी चीज़ें दोबारा, वही संदीप माहेश्वरी जी की बातें और वही डिमोटिवेशन और वही मोटिवेशन की प्रक्रिया, फिर से शुरू, फिर से डाउन, फिर से शुरू, फिर से डाउन। अर्थात ज्योग्राफी का ज्वार और भांटा आया बहुत तेज़ी से और गया भी उसी तेज़ी से। तो आप ज्वार हैं या भांटा हैं ये आप जानिए, मुझे पता है कि आप लोग क्या करने वाले हैं। चलिए ये बातें हो गई, आई थिंक मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पर कर ली, कुछ बचा तो नहीं है। हो गया सब कुछ, आई थिंक सो, कुछ बचा होगा तो हम, हाँ देखो मैं, आप कुछ भी फॉलो करें, मेरे एक ही पॉइंट रहता है बहुत हमेशा एकदम कट टू क्लियर, क्या वो आपके सिलेबस की डिमांड को पूरी करता है, क्या उससे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले कुछ समय कालों में, अगर है और आपकी डिमांड के अनुकूल है, वो उस लेवल का है अर्थात किसके, यूपीएससी के लेवल का है, तो ज़रूर उस चीज़ को फॉलो करें जो आपको रिजल्ट दे सकता है, अच्छा है। और इसका बहुत ज़रूरी या तुक नहीं है किसी से पूछने का, बस आपको जानते हैं थोड़ा समय देना, एनालिसिस करना है चीज़ों को, आप खुद जान जाएंगे क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। आपको निर्माण आयस का मैंने नहीं देखा है तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने उनका कोई भी टॉपिक या आर्टिकल नहीं देखे हैं, कितने अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आप किसी भी चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं, कोई भी वेबसाइट को आप फॉलो करते हैं, कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या चीज़ें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहली चीज़, कोई भी आर्टिकल है क्या ये यूपीएससी के लेवल या डिमांड को पूरी करता है, और यूपीएससी के लेवल और डिमांड क्या है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, अर्थात एक ही टॉपिक को आप कितने एंगल से और कितना इंटररिलेट करके वहाँ पे प्रस्तुतिकरण देते हैं। यदि उस आर्टिकल में ऐसी चीज़ें समावेशित हैं तो आप बेशक पढ़ें, और अगर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज़ को बस घसीटते चले जा रहे हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ को कभी भी फॉलो नहीं करना है। दूसरी चीज़, जब भी आर्टिकल पढ़ें तो कभी भी कंक्लूज़न उनका मत पढ़िए। क्यों मत पढ़िए, इसका मैं एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर जो आर्टिकल लिखा गया है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, और उस व्यक्ति की अपनी पूर्वाग्रह से कुछ ग्रसित होता है, जिसके से ग्रसित होकर वो उसका कंक्लूजन डालता है, वो हो सकता है एकांगी हो जाए। इसलिए आप आर्टिकल पढ़ते समय जो मेन योजना के बारे में है, किसके बारे में, उसके मेन पॉइंट्स को तो पढ़ लें, लेकिन उसके बाद उसको क्या क्या एंगल, क्या क्या अप्रोच हो सकते, क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये अपने लेवल पर करिएगा। कभी भी उनकी बातें नहीं फॉलो करनी, हमें खुद को जाकर वहाँ पर प्रूफ करना है हम क्या जानते हैं, ये वहाँ पर जाकर लिखना है। हम दूसरों की बातें तब तक समझ में नहीं आती हैं जब तक हम खुद चीज़ों को कई तरीके से देख ना लें। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, कभी भी किसी दूसरे को फॉलो ना करें, बल्कि अपने लिए रास्ता खुद बनाएं, और वो तभी हो सकता है जब आप उसके लिए काम करेंगे। तो यहाँ सबके लिए है, कभी भी कोई भी आर्टिकल पढ़ें तो पहली चीज़, क्या आर्टिकल यूपीएससी के सब्जेक्ट या सिलेबस के अनुसार है, दूसरा क्या उस टॉपिक के आर्टिकल में इंटररिलेशन है एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ, तीसरा क्या वो मल्टी डायमेंशनल है अर्थात कई चीज़ों को समेटता है, और चौथा क्या वो एकांगी तो नहीं है, एक ही चीज़ को वहाँ पर या आलोचना ही तो सिर्फ नहीं कर रहा है या अच्छाई ही तो नहीं बता रहा है, अर्थात वो वहाँ पर अच्छा और बुरा दोनों का अगर नहीं बता रहा है और क्या प्रभाव हो सकता है ये नहीं बता रहा है, तो ऐसे आर्टिकल फिर मत पढ़िए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाकर पढ़ें तो इस चीज़ को गौर में ध्यान में रखिएगा कि क्या ये चीज़ें ये आर्टिकल पूरी करता है, नहीं करता है तो नेक्स्ट टाइम वहाँ पर उसको क्लोज ही कर देना, वो आर्टिकल वो वेबसाइट देखनी ही नहीं है। मैं नहीं देखा हूँ लेकिन मैं आपको बता दूंगा आप एनालिसिस कैसे कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? या जीएस के मार्क्स को कैसे बढ़ाएं, इतना जो पोथी पत्रा मैंने खोल के रखा, कितना लाना है, कितना लाया जा सकता है, 55% मार्क्स क्या होते हैं,
क्या? मैं कहता हूँ आपको डीएम के लिए चाहिए 55% मार्क्स, उसके नीचे बहुत सारी पोस्ट आती हैं, अर्थात 45% मार्क्स लाकर भी आप कोई ना कोई पोस्ट वहाँ हासिल कर लेंगे, लेकिन नाम यही आएगा आपने यूपीएससी क्वालिफाई की है। हाँ, स्टेट पीएससी का नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ मैं आपको यूपीएससी के बताता हूँ जो पिछले कुछ समय कालों में रहा है। 650 से 750 मिनिमम मार्किंग रहती है और ये 1050 से करीब 1250 के बीच मैक्सिमम मार्किंग रहती है, जहाँ पर आप रिज़ल्ट आते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, पूरे तीनों प्रोसेस मिलाने के बाद, प्री के बाद मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू और मेंस का मिला के जो मार्किंग बनती है वो ऑन एन एवरेज इतनी रहती है, कभी थोड़ी कम कभी थोड़ी ज़्यादा, लेकिन आपको इतने नंबर लाकर आप यूपीएससी को किसी भी ईयर में क्वालिफाइड कर सकते हैं। आपका लक कभी साथ दे गया तो हो सकता है आप 650 मार्क्स एक साल लेकर आएँ लेकिन उस साल मेरिट 750 चली जाए तो आप डिसक्वालीफाई हो। जिस साल आपके 600 आए उस साल मेरिट 650 गई, अगेन आपका मैटर कर गया, ठीक है? तो थोड़ा सा यहाँ लग भी काम कर जाता है थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादातर मेहनत 80% मेहनत है, 20% लग भी काम आती है, यूपीएससी है कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेकर। समझ में आई बात? मार्किंग आपको इतनी करनी है, लेकिन अगर आपको सिर्फ डीएम चाहिए ना तो डीएम में टॉप पोस्ट होता चाहिए, टॉप पोस्ट होने के लिए आपको 55% मार्क्स अचीव करने ही पड़ेंगे, उससे नीचे का मतलब है कि आप अपनी पोस्ट किसी दूसरे के हाथों खो रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? सब क्लियर? सब कुछ हो गया? कुछ बचा नहीं है? सिस्टमेटिक तरीका, एक क्वेश्चन है इनका, आप इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने जितना सुना है कि आप अपने अनुसार दे सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसा मैंने अभी इकोनॉमी के बारे में एक सिस्टमेटिक क्रिएट किया, एक सिस्टम क्रिएट किया किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, क्या ये सिस्टम आपको कहीं बुक में मिलेगा या आपको ये खुद क्रिएट करना पड़ेगा? क्रिएट कैसे करें? मैंने तरीका बताया है, एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के टॉपिक डिसाइड करिए, टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में डालिए और सब टॉपिक्स के पॉइंट बनाइए, और इसको करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग आंसर राइटिंग के लिए आप करते हैं, उसको वहाँ पर सोचिए पढ़िए, उसके लिए भी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिवीजन एंड देन क्रिएट अ शॉर्ट नोट्स, सब कुछ है आपके जो भी आंसर हैं आपकी इस प्रस्तावना में छुपे हुए हैं। अब आप अपनी प्रस्तावना को जब भी टटोलेंगे तो वहाँ पर सब कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा, और अगर आपने इसे सही ढंग से बनाया होगा तो आपके लिए यह हमेशा के हमेशा बहुत अच्छे से काम आने वाला है, और आपको अब किसी भी क्वेश्चंस के लिए किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आई थिंक सो। और आई थिंक आपने ये सेशन अचीव करने के बाद आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि क्योंकि आपके पास अभी फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, कम से कम है किसी के पास? अब बात आती है कुछ चीज़ों की जो आप बात जनरली नहीं करते हैं, तो आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगा आप आधे घंटे